सूरजगंज तहसील के आदिवासी बाहुल्य ग्राम भलाई में संविधान दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विचार संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें 10 गांव के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वक्ताओं में मुख्य रूप से भोपाल से अब्दुल हक मतदाता जागरूक मंच दानिश खान, भीम आर्मी संभाग अध्यक्ष भोपाल सुलेमान खान आजाद बोलने प्रस्तावना को समूह में पढ़कर कार्यक्रम शुरू किया। साथ ही धर्म सिंह मेहरा ने संविधान प्रस्तावना विस्तार से पढ़कर समझाया। साथ ही फहीम सरफरोश ने अपने उद्बोधन में इस बात पर जोर दिया कि 24 घंटे में कम से कम एक घंटा तो जमीनी स्तर के कामों के लिए निस्वार्थ भावना से देश के वंचित समाज के लिए काम करना चाहिए। संविधान के बारे में आम जनता को बताना चाहिए कि अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो, जो अधिकार नहीं मिला है उसको संविधान के दायरे में रहकर किस प्रकार लड़कर लेना है। साथ ही मुकेश पवार ने निजीकरण के मुद्दों पर प्रकाश डाला। वहीं देश में चल रहे किसानों का संघर्ष पर गहन चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन एकता परिषद के साथी श्री राम बारेला ने किया। साथ ही टीकाराम बारेला ने कार्यक्रम में आए सभी साथियों का आभार व्यक्त किया। संवाददाता चांद मियां की रिपोर्ट। वो इसलिए हम नहीं कर पाए कि जैसे वो चुनाव जीता ना, हमने समझ लिया हमारे मालक। तो ये जो हमारी ताकत है, अगर हम इस ताकत के साथ एकजुट अगर हम रहेंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे हम लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो गिनती के लोग, उन गिनती के लोगों से ना लड़वा सकती लड़वाई जा सकती है अगर हम एक रहेंगे। अगर हम एक नहीं रहेंगे तो हम इसी तरह पीटे जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा आप सबका टाइम नहीं लेते हुए मैं अपनी बात को इसी उस पर ख़त्म करते हैं कि हम कोशिश ये करें कि हमारे अगर जो भी मतभेद हों, हम जिसे बैठे हम आपस में सुलझाएं ना। ठीक है, हमारे आपस में अगर कुछ नए इत्तेफाकियाँ लड़ाई झगड़े हैं, हम ऐसे बैठ कर सुलझाएं। अगर हम बैठ कर नहीं सुलझाएंगे, इसी का फ़ायदा प्रशासन उठाता है। आज हम देख लें पुलिस के अंदर, जेलों के अंदर बंद को कितने अमीर लोग हैं, कमज़ोर और गरीबी बंद है जो बेचारा जमानती नहीं ले पाता। तो हमारी ताकत हमारी एकता है, वहाँ भी एकता को बना कर रखेंगे तो हम इतनी भी बड़ी जंग जीत सकते हैं। ये अभी दिखने में हमें ज़रूर दिख रहा है कि हम इतने लोग हैं, लेकिन इतने लोगों में जब और बढ़ते जाएंगे तो एक टाइम ये आएगा कि हम ही हावी होंगे, क्योंकि हम दरअसल पहले से ही ज़्यादा हैं, बस हम बिखरे हुए हैं। हम मजदूर हैं, हम किसान हैं और हमारी तादाद ही ज़्यादा है, और ये अमीरों की और ये नेताओं की तादाद पहले भी कम थी और आज भी कम है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो हम इसे जीत सकते हैं। साथियों नमस्कार। जैसा कि वर्तमान में हम सभी को पता है, पूरे देश में जगह जगह से, अलग अलग जगह से किसान बंधु दिल्ली की ओर जा रहे हैं, और पिछले 2 महीने से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। उनकी एक छोटी सी मांग है कि समर्थन मूल्य कानून लागू करें। सरकार भी 2 महीने से सारे देश के किसानों को देख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो समय है कि सभी किसान बंधु को, उनके बेटे, युवा किसान जो खेती कर रहे हैं, उनको भी तीनों काले कानून का अध्ययन करना चाहिए। पढ़कर कम से कम हम ये पता करें कि ये तीनों कानून किसके पक्ष में है। पूरा अध्ययन करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये किसानों के हित में नहीं है, बल्कि ये उद्योगपतियों के इशारे पर बनाई गई एक पूर्णतया योजना है जिसको कानून में बदला गया है। हम सभी को इस समय ज़रूरत है कि संगठित हों और सारे किसान बंधु एक सुर में, एक आवाज़ बनकर हम समर्थन मूल्य कानून की मांग करें। और समर्थन मूल्य कानून की मांग इसलिए करें ताकि हमें हमारी फसल का उचित भाव मिल सके। हमें जिस तरीके से जो हम खेत में मेहनत करते हैं, डीजल, खाद, बीज और जो पूरी मेहनत होती है, उसका पैसा हमें आसानी से मिल सके और हम सभी किसान बंधु अपने अपने परिवारों को अच्छे से संचालित कर सकें और देश के हर आम नागरिक तक, हम उनकी थाली तक अन्न का दाना पहुंचा सके,
इस काबिल हम रहें और निजीकरण के चंगुल से हम बच सकें, क्योंकि निजीकरण सभी के लिए ख़तरनाक है। आए दिन हम कई सारी चीज़ें देख रहे हैं जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, जनता के लिए उनको धीरे धीरे करके बेचा जा रहा है। ठीक इसी तर्ज पर मंडी बोर्ड को भी तहस नहस किया जा रहा है, उसमें सुधार करने की बजाय उसको निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो चुकी है। अगर आज हम नहीं जागे तो कल के लिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, और बड़ा मुश्किल होगा खड़ा होना इन बुरी ताकतों के ख़िलाफ़। हमें ताकत बनकर निजी हाथों से इन चीज़ों को बचाना है, और जैसा कि हमारे संविधान में भी लिखा है, हम भारत के लोग, यहाँ पर हम शब्द का मतलब ही है कि हम सब बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म को देखे, हमें सिर्फ ये देखना कि हमारा किसान सही सलामत है या नहीं है। अगर उसको किसी प्रकार की समस्या है तो ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके साथ कंधे से कंधा लगाकर उसकी जो मांग है, जायज़ मांग है, और वो अहिंसात्मक तरीके से अपनी मांग को मांग रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा वो नहीं कर रहा है। अगर वो हिंसा नहीं कर रहा है तो उनके ऊपर ठंडी रात में पानी बरसाने का कोई मतलब नहीं है, उसको गोली से डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी थाली तक भोजन भेज रहा है, वो अपनी मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत को कम से कम सम्मान मिले और समर्थन मूल्य कानून के रूप में इसके किसान को एक शक्ति के रूप में वो एक ताकत मिले, ताकि वो सम्मान के साथ अपनी खेती कर सके, अपने परिवार को बचा सके। और कई लोग जो बेरोज़गार है वो खेती की तरफ लौट सके, क्योंकि खेती ही एक ऐसा माध्यम है जिससे अनेक प्रकार के रोज़गार को सृजित किया जा सकता है, और उसको बचाकर ही सृजित किया जा सकता है। इस आंदोलन को सफल बनाना है और सभी को साथ में आना है। जय हिंद, जय जगत, जय साथियों।